नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, गोल पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। यानी हमारा फोकस किधर है, गोल पे है या प्रॉब्लम्स पे है? इसका मतलब ये है कि जिधर हमारा दिशा वैसा ही हमारा दशा। यानी दिशा अगर गोल पे है तो कोई भी प्रॉब्लम्स आए उसको हम हंसते हुए फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स गोल्स। अगर हमारा दिशा अगर प्रॉब्लम्स ही है, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे जब भी मैं कुछ काम करने जाता हूँ ये हो जाता है, वो हो जाता है, मेरा तो किस्मत ही ख़राब है। यानी आपका दशा जैसा है दिशा ही वैसा ही होगा। यानी आप अगर वैसा ही सोचते रहोगे, ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है, बाकी सब तो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, मेरा ही जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ ये होता है, वो होता है, ये प्रॉब्लम्स है, ये आ जाता है, वो आ जाता है, ऑल दिस थिंग्स मीन्स व्हाट इज़ द दशा, माइंड की दशा क्या है? माइंड की दशा यही है कि हम प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, जैसा दशा वैसा दिशा, यानी मिलेगा भी वही आते जाते। नॉट ओनली दैट वन, जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, या आप लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ राइडिंग ए बाइसाइकिल। जब हम बचपन में बाइसाइकिल सीखने की कोशिश करते थे, आप सभी को याद होंगे कि हम जब हैंडल पकड़ते थे बाइसाइकिल का, अपना नज़र एकदम पहिए के सामने वाला पहिए के नीचे ही रहता था, एंड हम लोग क्या करते थे, हमारा बैलेंस बिल्कुल ख़राब हो जाता था। जैसे हम वो सामने वाले पहिए के सामने नज़र रखते थे, हमारा दूर का विजन बिल्कुल नहीं आता था, एंड हमारा जो बैलेंस है साइकिलिंग का वो गड़बड़ा जाता था और हम लोग गिर जाते थे। उस टाइम पे आपको क्या याद है, जो भी आपको साइकिल सीखने के लिए गाइड करते थे, चाहे वो आपके पापा हो, बड़े भाई हो, या फ्रेंड्स हो, या चाचा हो, मामा हो, कोई भी हो, वो लोग क्या करते थे, क्या कहा करते थे, यही बोलते थे ना भाई कि सामने पहिए के सामने मत दिखा कर, आगे दिखा कर। जैसे तू आगे दिखा करेगा तो क्या होगा, तुम्हारा बैलेंस सही हो जाएगा। एंड द मोमेंट हम लोग पहिए के सामने से नज़र हटा के आगे के तरफ देखने का चालू किया, हमारा बैलेंस खुद ब खुद सही हो गया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? थोड़ा सा याद कीजिए साइकिलिंग के वो दिन जब हम लोग बाइसाइकिल सीखने का चालू किए थे, व्हाट इट मीन्स। जैसे हम अपना फोकस एकदम नज़दीक के हर्डल्स ऑब्स्टिकल्स पे देखा करेंगे तो हमारा ओवरऑल जर्नी का जो बैलेंस है बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर हम आगे की तरफ देखने का कोशिश करेंगे तो ये जो नज़दीक के थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स एंड ऑल दिस थिंग्स क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे निकल जाएगा। तो आपका दशा क्या है एंड दिशा क्या है? दशा आगे की तरफ देखना है तो आप आगे बढ़ते जाओगे चाहे कितने भी हर्डल्स आए। अगर प्रॉब्लम पे दशा होगा तो वैसा ही एवरी नाउ एंड देन आपको मिलेगा। तो दोस्तों, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आप इग्नोर करो, फेस करो, लेकिन उस प्रॉब्लम को इतना भी बड़ा मत किया करो, इतना भी बड़ा मत समझा करो कि आपका पूरा का पूरा नज़रिया ही ब्लॉक हो जाए, एंड उसके बाहर उसके पीछे क्या है वो देखना बंद हो जाए। प्रॉब्लम्स है, उसको प्रॉब्लम्स की तरह ही ट्रीट करो, मेगा प्रॉब्लम्स मत बनाओ। और जैसे ही उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के सही साइज़ के हिसाब से ट्रीट करोगे एंड उसको
एक्सपांड करके देखने का कोशिश मत करो, नहीं करोगे तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम उसका प्रॉपर जो साइज़ है उसी में दिखेगा एंड आप इजीली दूर का भी देख पाओगे। तो अभी के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो।